हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। वे विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट। पिछली क्लास में अपन ने मोनोसैकेराइड तक अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में। ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा अगर अपन दे तो वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 तक की क्या पाई जाती है, मोनोसैकेराइड इकाइयां पाई जाती है। वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड इकाइयां पाई जाती है, या दूसरे वे में कहें वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अवर्धन करने पर 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 इकाइयां हैं तो इनको अपन डाइसैकेराइड कहेंगे, 3 इकाइयां हैं तो इनको ट्राइसैकेराइड कहेंगे, 4 इकाइयां हैं तो टेट्रासैकेराइड कहेंगे, और 4 से ज्यादा है, 5 है 6 है तो ये लगभग आपके पॉलीसैकेराइड में भी आ सकते हैं। मुख्यतः यहाँ पर अपन 2 मोनोसैकेराइड वाले ओलिगोसैकेराइड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से बने ओलिगोसैकेराइड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनको अपन यहाँ पर कहेंगे डाइसैकेराइड, या कहेंगे अपन इसको डाइसैकेराइड कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ये 3 प्रकार की होती है डाइसैकेराइड, जिसके 3 उदाहरण हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी सुक्रोज, या सुक्रोज भी कहते हैं, राइट। फिर कहेंगे अपन किसकी बात करेंगे, लैक्टोज, राइट। और फिर इसकी बात करेंगे अपन माल्टोज। क्लियर? डाइसैकेराइड मतलब ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां उपस्थित होती है। उदाहरण आपके पास में है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, राइट। सुक्रोज को अपन सरल शर्करा या इक्सु शर्करा जो गन्ने में पाई जाती है, क्लियर, सरल शर्करा या एक्सु शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज का जल अवगुणन करने पर अपन को क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या मिलेगा बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां यहां पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां यहां पर प्राप्त होती है। बात आती है आपकी लैक्टोज, लैक्टोज को अपन क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, क्लियर। और इसका जल अवगुण करने पर अपन को ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। तीसरी अपने पास में कौन सी, माल्टोज। माल्टोज का जल अवगठन करवाने पर 2 ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 2 ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। अब आप देख लीजिए ये सारे डाइसैकेराइड जिनका जल अवगठन करने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, ये ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। क्लियर? अब चलते हैं अपन किधर, पॉलीसैकेराइड पर। काम की बात करते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड पर। ओलिगोसैकेराइड का अगर अपन सामान्य सूत्र की बात करें, तो इसमें होता है आपका C12H2O11। तो क्या होगा बेटा, C12H2O11 इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा, C12H2O11। क्लियर? अब बात आती है किसकी, पॉलीसैकेराइड की। इसकी बात आती है बेटा पॉलीसैकेराइड की। अब देखिए पॉली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी शर्कराएं जिसमें उपस्थित होती है, जिनका अणुभार बहुत अधिक होता है। अब देखिए
ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? पॉलीसैकेराइड कहलाती है। दोबारा सुनिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अवघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, क्या कहलाएगी? आपकी पॉलीसैकेराइड कहलाती है। इनका अणुभार भी बहुत अधिक होता है, राइट? इनका सामान्य सूत्र की बात करें तो C6H10O5 का होल n होता है, C6H10O5 का होल n होता है, जहां पर n का मान 10 से अधिक होता है। C6H10O5 जहां होल n, जहां पर n का मान 10 से अधिक होता है। दूसरी चीज, ये जल में अविलय होते हैं। क्या होते हैं? जल में अविलय। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? ये कड़वे होते हैं। अणुभार क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर? पॉलीसैकेराइड को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पॉलीसैकेराइड को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपके सरल पॉलीसैकेराइड, सरल पॉलीसैकेराइड, और दूसरे आपके जटिल पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? सरल पॉलीसैकेराइड और दूसरे आपके जटिल पॉलीसैकेराइड। इसके आधार पर, संरचना के आधार पर, सरल में उदाहरण अपन लेते हैं कौन कौन से। एक तो आता है आपका स्टार्च आता है आपका, दूसरा आता है आपका सेलुलोस आता है, और तीसरा आता है आपका कौन सा? ग्लाइकोजन। कौन सा आता है बेटा? ग्लाइकोजन। क्लियर? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन इस प्रकार के होते हैं, सरल पॉलीसैकेराइड होते हैं। दूसरा है आपका कौन सा? जटिल पॉलीसैकेराइड। इसमें आएंगे अपने पास में पेक्टिन, क्लियर? जटिल पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से जाएंगे आपके पास में? पेक्टिन आ जाएगा आपके पास में, और दूसरा जाएगा हेमी सेलुलोज, जाएगा हेमी सेलुलोज, और फिर आ जाएगा इसमें आपका कौन सा? लिग्निन। कौन सा जाएगा बेटा इसमें? लिग्निन। इस तरीके से अपन ने पॉलीसैकेराइड को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, सरल पॉलीसैकेराइड और जटिल पॉलीसैकेराइड। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। अब इनके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं अपने पास में सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपकी सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर? और ये सेलुलोज आपका सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आपका कपास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आपका कपास में पाया जाता है। इसी प्रकार बात करें आपका स्टार्च, एकृत कोशिकाओं में ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन मांसपेशियों में ज्यादा पाया जाता है आपका। बात आ रही समझ में? आगे बात करते हैं किसकी? जटिल पॉलीसैकेराइड की। पेक्टिन हुआ, हेमीसेलुलोज हुआ, लिग्निन हुआ, ये अन्य अणुओं के साथ में मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। अन्य अणुओं के साथ में मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हेमी सेलुलोज के साथ में कौन होता है? लिग्निन होता है, और लिग्निन के साथ में कौन होता है? सेलुलोज होता है, और जो पेक्टिन है ये जेम जेली बनाने में काम में लिया जाता है। क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? पॉलीसैकेराइड के बारे में।
क्लियर, ये अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य, तब जानते हो आप, शरीर को ऊर्जा देना, मरम्मत में सहायक होना, ये सारे कार्य है, आप इनको समझ लोगे। उम्मीद करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको सारी चीजें समझ में होगी। धन्यवाद।